हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग से पेरा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर। सो गाइज, टुडेज अवर टॉपिक इज इमेजेस फॉर्म इन अ पेयर ऑफ मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। सो बेसिकली हियर नाउ वी आर कम्स टू द पॉइंट दैट मिरर्स विच आर पैरेलल विद ईच अदर, राइट? सो yes, this surface is back surface of our mirrors। यहां पर सपोज के हम लोग एक P पॉइंट को प्लेस करने वाले हैं। ड्यू टू दिस P पॉइंट, ये इसकी जो रिफ्लेक्शन है उसमें से अगर दो रेस को मैं यहां से रिफ्लेक्ट करूं तो वो कुछ ऐसे होंगे, राइट? तो यहां से ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट होंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होंगे, एंड यस लाइक दिस। तो जिस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हुए उस डायरेक्शन को अगर मैं पीछे खींचू इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट था, तो वहां पर यस लाइक दिस वी गेट दिस इमेज ऑफ अवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की यहां पर इमेज मिलने वाली है, उसको मैं आई डैश लिख लेता हूं। यहां पर भी रिफ्लेक्ट होके वो आगे जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये यहां से इस डायरेक्शन में, राइट? तो अगर इसको भी हम लोग अगर पीछे खींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा कि जहां पर इसकी इमेज मिलेगी उसको मैं आई डबल डैश नाम दूंगा। तो जितने रिफ्लेक्शन होंगे उतने ही हमें इमेजेस मिलते चले जाएंगे क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन होते ही रहेंगे। यस लाइक दिस। इसके पीछे यस इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पर आई ट्रिपल डैश नाम दे रहा हूँ। तो तीन इमेजेस फॉर्म हो गए। अभी आगे भी यहाँ पर रिफ्लेक्शंस होंगे जैसे कि इस डायरेक्शन में, और ये होगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में। तो उसके पीछे अगर पीछे खींचेंगे तो मुझे कुछ इस डायरेक्शन में यस, तो यहाँ पर इमेज मिलेगी, वहाँ पर आई ट्रिपल डैश, यस यहाँ पर आई ट्रिपल डैश होगा, यहाँ पर आई फोर टाइम्स डैश। सो इमेजेस मिलते ही चले जाएंगे यहाँ पर। जब कभी भी हम लोग मिरर्स को पैरेलल प्लेस करेंगे तब की ये बात हो रही है, और जब कभी भी हमें इमेजेस फाइंड करना हो, सो व्हाट हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म इन दिस टू पैरेलल मिरर्स, दैट फॉर्मूला इज एन इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। बट हियर थीटा विल बी जीरो क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब कोई एंगल नहीं है, जीरो है मतलब एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो हियर वी गेट इमेज इनफाइनाइट, मतलब के इनफाइनाइट इमेजेस हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट? सो ये थी पैरेलल के लिए बात। अच्छा, इसके प्रैक्टिकल वे में हमने कब देखा हुआ है कि ऐसा इमेजेस फॉर्म होते हैं? तो बेसिकली बार्बर शॉप में ज़्यादा होता है क्योंकि दोनों में पैरेलल मिरर्स रखे हुए होंगे सामने और पीछे, तो उसकी इमेजेस बहुत सारी एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, राइट? तो ऐसे हमें इमेजेस देखने को मिलेगी। जब कभी भी सामने मिरर होगा और उसके पीछे कांच होगा, बट कांच से भी अगर रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें भी बहुत सारी इमेजेस आपको देखने मिलेगी क्योंकि कांच अगर ज़्यादा पॉलिश्ड होगा तो वो उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा वो एज अ मिरर वर्क करेगा, तो वो भी यही सिचुएशन हमें दे पाएगा। सो देर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर देयर, राइट? सो ये था हमारा पैरेलल मिरर्स के लिए टॉपिक। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.